गुड मॉर्निंग गाइस, वी वेंट फॉर हजारीबाग। तो हम लोग हजारीबाग में है अभी, तो राइट यहाँ पे स्टे किए थे, तो अपना नेक्स्ट वीडियो देखा। तो गाइस हम लोग अब यहाँ से निकलेंगे, हम लोग रक्सौल जाना है। रक्सौल यहाँ से कम 300 किलोमीटर के आसपास होगा, 300 किलोमीटर से ज़्यादा हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो हम लोग का बाइक जैसे जिससे मेरे पीछे बाइक लगा हुआ है, तो हम लोग ऑलमोस्ट रेडी है निकलने के लिए। तो इस वीडियो को हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छा हूँ गाइस। तो आप मेरे चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब करना भूलें, बेल आइकन प्रेस करना भूलें। आप मुझे इंस्टाग्राम फॉलो नहीं करते, इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, स्क्रीन पर भी शो गाइज। तो गाइज तो हम लोग यहाँ से निकलते हैं इस वीडियो के साथ। और गाइज तो बहुत नींद भी हम लोग पूरा नहीं हुआ है, तो हम लोग देखते हैं नेपाल में पूरा होता कि नहीं होता। आप लोग जो इंटरनेशनल राइड पसंद करते हैं तो ज़रूर शेयर करें इस वीडियो को। तो चलिए इस वीडियो को और आगे लेके चलते हैं और यहाँ से निकलते हैं। तो हम लोग यहाँ से जो जाएंगे वो जाएंगे कोडरमा, जुम्मन तलैया और नवादा, बिहार शरीफ, पटना, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी होते हुए जाएंगे। चलिए आपको लेके चलते हैं डायरेक्ट बाइक पे और मिलते हैं मोटो बोला की मोड़ में। तो गाइज हम लोग अभी यहाँ से पेट्रोल पंप से निकल रहे हैं, जैसे आपने इंट्रो में देखा। तो अभी ऑलमोस्ट हम लोग को जो डिस्टेंस कवर करना है तो 430 किलोमीटर है, 430 किलोमीटर है, और प्लस जो यहाँ से हम लोग किलोमीटर है 430 किलोमीटर है। तो हम लोग को मेरा जो मीटर दिखा रहा है ऑलमोस्ट देख सकते हैं 6548 किलोमीटर, तो 6548 किलोमीटर है। और हम लोग जो रूट लेना है वो बिहार हजारीबाग, बरही होते हुए जुमरी तलैया, कोडरमा, नवादा, बिहार शरीफ, पटना, मुजफ्फरपुर और मोतिहारी, देन रक्सौल। तो चलिए यहाँ से हम लोग जो मीटर दिखा रहा है 6548 किलोमीटर। तो ऑलमोस्ट गाइस हम लोग बरही आ गए हैं, बरही। तो आप जो मेरा वीडियो देखेंगे जमशेद हजारीबाग टू बिहार शरीफ, तो ये रास्ता ही मैंने कवर किया था। तो अब ये जो रास्ता जो सीधा इधर से इधर जाते हैं, इधर जाएंगे वाराणसी, इधर से वाराणसी चल जाएंगे, गया चल जाएगा, और सीधा चलेगा पटना, बिहार शरीफ, और ये रास्ता चल जाएगा धनबाद और कोलकाता के रास्ता इधर से। तो हम लोग को सीधा लेना है, तो सीधा चले जाएंगे हम लोग बिहार शरीफ नवादा होते हुए, और रास्ता कलकत्ता चल जाएगा, रास्ता कलकत्ता धनबाद, और ये रास्ता चल जाएगा आपका गया, ये रास्ता गया चल जाएगा। तो हम लोग सीधा निकलना है बिहार शरीफ की ओर। तो हम लोग का इस समय लगा कोडरमा आने में 1 घंटा लग गया, क्योंकि हजारीबाग से जो कोडरमा डिस्टेंस था 50 किलोमीटर पड़ता है, तो 50 किलोमीटर चलाने में 1 घंटा लग गया। ऑलमोस्ट जो हम लोग का डिस्टेंस बता रहा है गोल माता 372 किलोमीटर, मतलब 9 घंटा 55 मिनट, ऑलमोस्ट 10 घंटा लग जाएगा हम लोगों को रक्सौल जाने के लिए। तो भाई जब हम लोग सत्तू भरे हुए हैं कमल भाई, तो अभी हम लोग सत्तू ग्रहण करेंगे, तो देख सकते हैं बिहारी स्टाइल बड़ा स्पीड। क्या बात कर, नहीं नहीं आप बढ़ा लीजिए, हमको लगा आप पीए बोल रहे। यस नमक ठीक है। तो गाइस हम लोग यहाँ से अभी निकलते हैं, क्योंकि हम लोग अभी यहाँ से आप देख सकते हैं क्लिप, आपने क्लिप देखा था, उसमें हम लोगों ने सत्तू घर को पी लिया, नाश्ता कर लिया। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अंकल आप लोग हाई कर दीजिए, आप लोग भी आ जाइएगा। तो अंकल लोग ने हम लोग चैनल सब्सक्राइब कर दिया सभी भाई का भी। तो हम लोग यहाँ पर पानी ORS पी लिए, एक बोतल, बॉडी डिहाइड्रेट हो गया था इसलिए। तो हम लोग अब यहाँ से निकलते हैं, अभी 5 मिनट का रेस्ट किए हैं, तो अब निकलते हैं आगे पटना यहाँ से। और हम लोग डिस्टेंसन है 264 किलोमीटर। ठीक अंकल आते हैं हम लोग, थैंक यू। तो ऐसा
अभी हम लोग यहाँ इस लोकेशन में रुके हुए हैं, देख सकते हैं हाईवे वो है और ये पटना हाईवे है, पटना नालंदा हाईवे। तो हम लोग अभी यहाँ पर ही भूख लग गया था तो होटल में खाना वाना खाए नहीं, कि कमल भैया बोले कि होटल में नहीं खाएंगे, तो जुगाड़ जो लाए हैं वही खाएंगे। जुगाड़ क्या लाए हैं अब दिखाते हैं आपको। चूड़ा, दही, चूड़ा है, दही और चीनी, इसी से पेट भरा जाएगा। अब रात में पता नहीं रात में क्या खाएंगे, मगर अभी है खाने का बहुत चीज़ है रात में। वापस भी नहीं करने सकता अभी। चाकू को कोडरमा घाटी में छोड़ा है हम लोग। बहुत हेवी बोल दिया आप। थोड़ा दही और लगेगा, ठीक है पानी लगा दे दीजिए। नहीं पानी नहीं, दही देते हैं ना। फिर दही क्या होगा, इसमें थोड़ा सॉबिक डाली दो दही। तो हम लोग का दही चूड़ा स्टार्ट हो चुका है, जैसे देख सकते हैं दही चूड़ा। अभी दोपहर का हम लोग खाना ही है दही चूड़ा। हम लोग का खाना पीना हो गया यहाँ से, तो अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं। ऑलमोस्ट पैकिंग हो गया, जो खोले थे हम लोग जैसे देख सकते हैं खोले थे, पैकिंग हो चुका है, पूरा गाड़ी रेडी है, उधर सभी भाई लोग भी रेडी हो चुके हैं। अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं रक्सौल की ओर पटना होते हुए। तो पटना यहाँ से और 44 किलोमीटर 40 किलोमीटर के आसपास होगा, तो चलिए लेके चलते हैं पटना। गाइस पटना सिटी जो है 24 किलोमीटर है और हम लोग पटना डिस्ट्रिक्ट में घुस चुके हैं। तो गाइस खास क्या जो पटना से देख रहे हैं ब्लॉग, तो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके, चेकिंग क्यों है पटना में, इतना चेकिंग क्यों है हर जगह, चप्पे चप्पे पुलिस रखा हुआ है, क्या यह दारू का चेकिंग है कि और कुछ और चेकिंग है। तो भाई लोग प्लीज़ कमेंट बताओ क्या है सब इतना चेकिंग। तो वैसे आपने टाइमलेस देख लिया होगा, तो टाइमलेस में हुआ क्या था ना, मेरे पीछे जो कैरियर लगा हुआ कैरियर थोड़ा क्रैक हो रहा था, तो उसे सपोर्ट के लिए हम लोग ने उसमें ओल्डिंग करवा लिया पटना में। तो हम लोग ऑलमोस्ट पटना सिटी में नहीं है, ऑलमोस्ट पटना से हम लोग पटना में ही हैं, पटना से थोड़ा सा सिटी से 25 किलोमीटर इधर ही है। तो बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या हुआ है टाइमलेस देख के, तो थोड़ा सा परेशानी हुआ, तो हमने सोचा कि नहीं करवा ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 200 रुपये खर्चा हुआ, 220 रुपये ले लिया चार लोहा का। तो बिल्कुल तो गाइस बिल्कुल अपने चैनल पर बने रहें। तो गाइस हम लोग गंगा ब्रिज पे हैं, पटना के गंगा ब्रिज जो इंडिया का सबसे बड़ा ब्रिज है। तो गाइस देख सकते हैं अभी अंधेरा, गंगा जी नहीं दिखेंगे आपको, जय गंगा माँ, जय गंगा माँ का नाम का लेकर आगे बढ़ते हैं। जैसे देख सकते हैं गंगा ब्रिज बहुत अच्छा बनाया गया, बहुत अच्छा अच्छा बना है कि बोल नहीं सकते। तड़का रोटी मंगवा ली है तो खाते हैं। तो गाइस हम लोग यहाँ से यहाँ पर खाना पीना खा लिए हैं, खाना पीना खा के अब सोचे हम ड्राइव नहीं करेंगे, तो कमल भैया को ड्राइव करने के लिए गाड़ी दी है जैसे देख सकते हैं, और सभी भाई रेडी और उनका बाइक थोड़ा नीचे कर लेते हैं तो आपको बताते हैं। खाना ठीक ठाक था, खाना में नमक ज़्यादा था। तो अब जो बाइक राइड कर रहे हैं कमल भैया ड्राइव कर रहे हैं, अब थोड़ा सा हम रिलैक्स करते हैं पीछे बैठ के। हवा बहुत अच्छा, अंदर हवा का हवा आ रहा है और खाना भी ठीक खाए, मैं खाना में क्या था नमक ज़्यादा था, और भुजिया हो दाल हो सब में नमक ज़्यादा मिला, तो लगता है कि रात में ज़्यादा पानी पीना पड़ेगा नमक ज़्यादा खाए तो खाना आपको खाने का टाइम लैप्स और वीडियो दोनों आपको मिल जाएगा, इसके बाद देख लीजिए। तो गाइस हम लोग मुजफ्फरपुर एंट्री कर चुके हैं, और अब यहाँ से जो टोटल डिस्टेंस पड़ता है बरही का वो पड़ता है 136 किलोमीटर, 2 घंटा 57 मिनट। तो ऑलमोस्ट आज हम लोग 80 किलोमीटर राइड करेंगे और स्टॉप कर देंगे इस राइड को डे 2 का। तो अब बने रहे मेरे वीडियो में और देखते जाए 80 किलोमीटर के बाद
तब अब कहाँ रुकते हैं वो भी मैं बताऊँगा आपको। ऑलमोस्ट कल तो हम लोग पेट्रोल पम्प पर दिन रात बिताया था, तो आज देखते हैं कहाँ बिताएंगे। तो गाइज़ अभी हम मोतिहारी में हैं और जैसे देख सकते हैं पेट्रोल पम्प पास है, तो हम लोग मोतिहारी यहाँ से जो रक्सौल बॉर्डर है वो 90 किलोमीटर और है। तो हमने सोचे कि सुबह राइड करेंगे, अब तो अब नाइट हो गया तो राइड नहीं करेंगे। तो चलिए गाइज़, तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा हजारीबाग टू मोतिहारी का, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आप वीडियो अच्छा लगा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए गाइज़, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपको नेपाल बॉर्डर, नेपाल कल ना मैं कल एंट्री करूँगा नेपाल। तो चलिए मिलता हूँ, गुड बाय, टाटा।